मुझे 3 4 दिन हो गए हैं दिल्ली आए, और अभी जो है अपनी जो हिमालयन है उसकी जो सर्विस है वो करानी है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं आरी वाले, उनकी बातें सुन लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से यार बहुत सारे नुकसान हुए हैं। ससुराल आ गया हमारी बन्नों का। जा रहे भैया? ब्रेक की प्रॉब्लम उस अब सबसे ज्यादा तो अभी आई है। क्या दिक्कत आई है? फोन पे आपसे ही बात हुई थी। किससे? नहीं नहीं जब मैं मनाली था। दीपक करके आपका नाम? मोहित नाम। और मेरी मतलब वहाँ मनाली में दिखाया तो बोल रहे कि अभी गर्मी है ऐसे ऐसे हो रही है और आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो कुछ नहीं होगा। भाई साहब पूरे रास्ते गिरता पड़ता है। Okay. Thank you. Yeah, let us all get along. I said thank you. सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगेन अभी फिर से हम एक राइड की प्लानिंग चल रही थी तो फाइनली अभी हम उसके लिए जा रहे हैं, और सामान जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो क्या क्या है वो तो आपको लास्ट वीडियो में जो मेरी लद्दाख वाली है उसमें आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम सामान है। बाइक में तो पंचर वंचर था, वो अभी पंचर तो ठीक करा लिया, उसमें ट्यूब डलवा दी है, बट मेन चीज़ है कि यार उसका टायर भी चेंज कराना पड़ेगा। बट टायर के लिए सुबह से घूम रहे हैं, अभी बज चुके हैं दोपहर के 1:45, मतलब सुबह 9 बजे से निकले हुए थे बट टायर कहीं नहीं मिला। और अभी जो है सोचा है कि चलो ठीक है यहाँ से निकलते हुए रास्ते में कहीं भी टायर मिलेगा तो डलवाएंगे, और ट्यूब हमने नहीं डलवा दी है खैर, क्योंकि यार लास्ट टाइम भी ना बहुत दिक्कत आई थी उसकी, तो ट्यूब उसका जो टायर है वो चेंज कराना पड़ेगा। और इस बार ये जो ट्रिप होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि अगेन हमारे तरुण जी हमारे साथ हैं, और सच में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्लानिंग अभी बहुत सारी की थी बट एक दिन हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो तरुण जी जो है कल आ गए थे तो कुछ किसी कारण से हम कल नहीं जा पाए, और कल तो खैर रुकना ही था, आज मॉर्निंग में निकलना था हमें सुबह 5 6 बजे के आसपास। तो अभी जो है हम लगभग 2 बजे हैं तो 3 बजे के आसपास कोशिश करेंगे कि निकल जाए यहाँ से, अदरवाइज हमें हल्द्वानी पहुँचने में वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। बाकी देखते जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ जहाँ भी लगेगा कि स्टे करना है तो शाम को 7 8 बजे तक राइड करेंगे, उसके बाद स्टे कर लेंगे। तो बस यही है, अभी पैक करते हैं और फटाफट निकलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। बहुत पसीने वसीने आ रहे हैं, नहाए भी नहीं है सुबह से। ठीक है सर, रेडी हो? ओके जी ओके, मिलते हैं बाइक के ऊपर। हाँ बाइक पे मिलते हैं, टाइम कंज्यूम करना है तो बाइक पे ही मिलेंगे आप। यस चलो मिलते हैं, पैक करते हैं सामान को, निकलते हैं फिर। ओके तो यहाँ पर अभी हमारी जो बाइक है उसके टायर चेंज हो रहा है, और मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, मैंने पहले भी यहाँ से टायर लिया, और सबसे बेस्ट प्राइस आपको मिलेगा फिरोजबाग में। अगर आप जानते हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल उसके जस्ट पास में ही है, और हमने जो टायर अभी सीएट का ले लिया तो अभी हो रहा है यहाँ पे सुपील कर रहा है। और टायर के साथ साथ हमें ये भी मिला है, गिफ्ट मिला है चोपड़ा जी के वहाँ से, हम लेके आए रेन शील्ड, बहुत अच्छा लगा राइनक्स का, पर उन्होंने लेस नहीं की यार, मज़ा नहीं आया। इटली है मेरी यार, बस इश्क मोहब्बत भी है।
Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toe. So, अभी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और आज की जो राइड है वो बहुत बढ़िया रही. वैसे तो यार मतलब मॉर्निंग में हमें निकलना था आज, बट जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो की शुरू में कि कुछ काम की वजह से नहीं निकल पाए और बाइक की भी थोड़े छोटे मोटे काम कराने थे तो इसकी वजह से. तो अभी जो है अभी हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी और टाइम जो है अभी टाइम क्या हो गया है, 12 बज गए, 12:20 हो गए. यहाँ रख दो हम रख लेंगे अभी. ठीक है, रख देंगे. थैंक यू भाई. तो आज की राइड वैसे निकलने के बाद, दिल्ली से निकलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा. हम अभी टाइम हो गया 12:15 हो चुके हैं, 15-20 मिनट हो गए हमें यहाँ पहुँचे हुए. तो 12 बजे के आसपास पहुँच गए थे और अभी हम हल्द्वानी में स्टे कर रहे हैं. वैसे हमारा प्रोग्राम ये था कि फर्स्ट डे हम जाएंगे जागेश्वर धाम तक. जागेश्वर धाम यहाँ से ऑलमोस्ट 121 किलोमीटर है जिसमें 4 घंटे लगेंगे. तो अभी जो है हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और जो तरुण जी हैं वो खाना लेने गए हैं. खाने के जो रेस्टोरेंट है वो सारे बंद हो चुके थे. अभी देखते हैं कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, अदरवाइज़ मॉर्निंग में फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा और कुछ नहीं. बाकी अभी थक चुके हैं तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय और कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. यार आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ट्रैवल मोर ड्रीम मोर एंड फाइंड योर ग्रुप. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like